हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फिक्सर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम सैमसंग का M51, सैमसंग गैलेक्सी M51 का चार्जिंग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 100% सक्सेस सॉल्यूशन है दोस्तों। जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से, सबसे पहले तो अपने को फ़ोन खोलना है। देखो, मैं चार्जिंग को लगाया है लेकिन चार्जिंग नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, चार्जिंग नहीं होने की कुछ वजह हो सकती है, इनकेस चार्जिंग बेस में पानी जाना या चार्जिंग बेस ख़राब हो जाना या अंदर से कुछ शॉर्ट हो जाना। आज देखते हैं ये फ़ोन का क्या प्रॉब्लम है। जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से खोलना है। इसका साइड में फिंगर होता है, आराम से स्ट्रिप को निकालना है, बॉडी को निकालना है। हमें तो ऊपर से देखने पर चार्जिंग बेस पूरा अच्छा लगा, इसलिए हमने डायरेक्ट एक बार चार्जिंग बेस के जो पत्ता है उसके कनेक्टर पे वोल्टेज चेक किया। जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है, वोल्टेज पे रखना है और चार्जिंग पिन को इन करना है और वोल्टेज देखना है। देखो दोस्तों, 5.19 वोल्टेज आ रहा है, यही वोल्टेज पत्ते के ऊपर आ रहा है क्या देखना है दोस्तों। देखो एक बार बैटरी कनेक्टर पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रहा है क्या। देखो बैटरी कनेक्टर पर लगाने के बाद बताते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है। देखो दोस्तों, 82, 79 ऐसा वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं है चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों अभी पत्ते पे चेक करना है वोल्टेज आ रहा है क्या प्रॉपर। ये जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह आपको काम करना है दोस्तों। देखो दोस्तों, पत्ते पे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं लगा के वोल्टेज आता है या नहीं। गाइस, इसका प्रॉब्लम ज़्यादा तो ये जो मदरबोर्ड पे का कनेक्टर है उससे ही प्रॉब्लम आता है। ये मदरबोर्ड के कनेक्टर से आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने डाले हैं, लेकिन क्या होता है कनेक्टर को पैकिंग लगाने के बाद भी कुछ दिनों में वो फ़ोन ख़राब हो जाता है। आज हम पक्का सॉल्यूशन बताएंगे। देखो दोस्तों, कनेक्टर दबाने के बाद चार्जिंग हो रहा है। देखो चार्जिंग का लोगो बताया है, अभी परसेंटेज आता है कि नहीं। देखो परसेंटेज भी आ गया दोस्तों, एक बार वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दबाने के बाद 160 हो रहा है, जैसा छोड़ रहा हूँ तो 50 हो जा रहा है, यानी वो कनेक्टर का प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, एक प्लस का जम निकालना है कनेक्टर पे, कनेक्टर से स्ट्रिप के पत्ते पे, और प्लस का जम देना है। जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह आप जम दीजिए। वो जम देने से क्या होएगा, बड़ा जम नहीं होगा और आसानी के साथ आपका सॉल्यूशन सक्सेस हो जाएगा। देखो वीडियो में जिस तरह दिखाया जा रहा है उसी तरह आपको जम करना है। देखो सबसे पहले तो गाइस, पत्ते को बाहर निकालना है, पत्ते के एक सिरे को जो प्लस का सिरा है वो चेक करना है। प्लस के सिरे पे फ्लक्स की मदद से थोड़ा मेटल लगा के जम तार को शोल्ड करना है। देखो शोल्ड हो चुकी है गाइस। इसी तरह से फ्लक्स की मदद से जो मदरबोर्ड का कनेक्टर है, जो मेन कनेक्टर है अपना चार्जिंग का, उस पर प्लस देखना है। प्लस पॉइंट पे ही मारना है, ग्राउंड पे नहीं मारना है, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। देखो प्लस पे हमने चेक किया था मल्टीमीटर से, तब समझ में आया था। देखो प्लस पे हमने जंप कर रहे हैं दोस्तों, और हमारा जंप हो चुका है अभी। ये जंप प्रॉपर तरीके से मारना है क्योंकि फिटिंग के बाद टूटना नहीं चाहिए जंप, है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों इसी तरह के नए नए सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये जो हो सॉल्यूशन है परफेक्ट सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये प्रॉपर तरीके से चार्जिंग होगा फ़ोन, अब ये ख़राब नहीं होगा ये कनेक्टर। नहीं तो क्या करना पड़ता है, कनेक्टर चेंज करना पड़ता है कभी, या पैकिंग डालना पड़ता है, उससे सक्सेस नहीं होता। और कनेक्टर में क्या है, कनेक्टर में हिट बैठने की वजह से फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं जब मारने के बाद। देखो दोस्तों, हमारा चार्जिंग हो रहा है सक्सेसफुली और हमारा फ़ोन ओके हो चुका है दोस्तों। इसी तरह के नए नए, देखो 160 वोल्टेज लिया है, इसी तरह के नए नए सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी फिक्सर।